सुप्रभात साथियों, आप सबों के बीच में फिर से स्क्रू थ्रेड के नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। पहले क्लास में इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्क्रू थ्रेड में बी थ्रेड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे। हम कल डिस्कस किए थे कि बी थ्रेड के साथ एक और होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। तो थ्रेड दो वर्गों में बांटा गया था, बी थ्रेड और स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। तो दोस्तों, आप सबों से जो उम्मीद थी, उम्मीद है कि आप उसे कायम रखते हैं और कायम रखते हुए आगे भी उसी तरीके से उम्मीद बनाए रखेंगे कि आप जिस तरह से सब्सक्राइब मेरा आगे बढ़ते जा रहा है और आप लोगों के सहायता से और भी बढ़ेगा और आप थोड़ा इसमें और कोशिश की आ सकता है आपकी, तो हमें और फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो इसके लिए प्लीज जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उन्हें भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड पे। दोस्तों, कल हम लोग भी थ्रेड के बारे में पढ़े थे। भी थ्रेड के बाद दूसरा जो ग्रुप था वह था स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड। तो आज मेरा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड। अब इसको समझना है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं तथा सभी भुजा के बीच अर्थात संलग्न भुजा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ये हम लोग जानते हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग का जो संलग्न भुजा होता है दोनों के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री होता है। और सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो ठीक उसी चीज वही चीज यहाँ पे है। तो इस थ्रेड में होता क्या है दोस्तों, देखिए यह थ्रेड इस तरीके से बना हुआ है। अब इसका जितना ये भाग होगा उतना ही ये भाग भी होगा, उतना ही इसका ये हाइट भी होगा। तो जितना इसका फ्लैट की मोटाई होगा उतना ही इसका विड्थ का स्पेस होगा, दो दांत के बीच स्पेस होगा उतना ही, और हाइट भी इसका उतना ही होगा। तो कितना होगा क्वेश्चन तो ये होगा कि कितना होगा। तो इसका जो हाइट होता है अर्थात डेप्थ होता है वह होता है 0.5 पिच, पिच का 0.5 गुना। ठीक है दोस्तों, अब फ्लैट विड्थ होता है 0.5 पिच, चूंकि सभी बराबर होते हैं तो एंड विड्थ ऑफ स्पेस जो होता है वह भी 0.5 पिच होता है। अर्थात इसका तीनों चीज जो होता है डेप्थ, फ्लैट विड्थ और विड्थ ऑफ स्पेस, अर्थात ये हुआ विड्थ ऑफ स्पेस, ये हुआ फ्लैट और ये हुआ इसका डेप्थ, तो तीनों जो होता है वह क्या होता है 0.5 पिच होता है। इसमें कोई एंगल नहीं, चूंकि एंगल जो होता है वह क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल आपसे पूछा ही नहीं जाता है, इसलिए इस एंगल में बुक ज्यादातर बुक में आपको इसका एंगल दिया ही नहीं रहेगा। एंगल क्या तो सीधा 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उपयोग कहां पर होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है। इसका स्कोर स्क्वायर जो है काफी हैवी है, देख लीजिए इसका कितना हैवी है। यह जो जितना है ज्यादा हैवी होगा उसका काम भी जो होगा उतना क्या होगा हैवी होगा। तो काम हैवी होगा तो कहां पे होगा? जहां पे पावर ट्रांसमिशन का काम होता है, अत्यधिक पावर को धकेलना होता है या वह इधर से पावर को नीचे की ओर दबाना होता है या फिर पावर से हमको किसी चीज को उठाना होता है। एग्जाम्पल पर आप देखते होइएगा, किसी भी गाड़ी को जैक के द्वारा उठाया जाता है। तो जैक देखते होइएगा कि जैक को हम घुमाते हैं तो उससे एक थ्रेड निकलता है, एक स्क्रू थ्रेडेड रॉड है उस पर एक थ्रेड कटा हुआ है और वह ऊपर क्यों निकलता है जब हम इसको कसते हैं? ठीक है, तो वह जो निकलता है वह क्यों निकलता है? क्योंकि उसमें थ्रेड कटा हुआ। अब थ्रेड जो कटा होगा तो कोई तो थ्रेड जरूर होगा, जो थ्रेड होता है उस पर वह होता है कौन सा? स्क्वायर थ्रेड होता है। कौन सा होता है? स्क्वायर थ्रेड होता है। इसलिए उसका इस्तेमाल हम भारी काम में करते हैं क्योंकि वही उस लोड को थम सकता है। दूसरा अगर भी थ्रेड क्या वहां पे रहेगा तो क्या थमेगा?
क्या वो अपना वजन को बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, ये टूट जाएगा, इसका क्रेस्ट ही टूट जाएगा, यह लोड को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए वहां पर हम वितरित का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका करते हैं? स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट था वह था क्या? स्क्वायर थ्रेड। सबसे पहला जो टाइप था स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड का थ्रेड का, कौन सा? स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में हम लोग जान गए इसका एंगल तो 90 डिग्री, एंगल उसे पूछता नहीं है। डेप्थ कितना? 0.5 पिच होता है। फ्लैट विथ कितना? 0.5 पिच होता है। और विथ ऑफ स्पेस कितना होता है? 0.5 पिच होता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों कहां करेंगे? जहां पर हैवी लोड को क्या करना हो, एक जगह से दूसरे जगह धकेलने का काम हो या उठाने का काम हो, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल आपको स्क्रू जैक सबसे साधारण सिंपल एग्जांपल है, उसको आप सबको देखे हुएगा उस चीज को। उसके बाद अगर आप लोग फिटर में काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं फिटर में 75% कार्यों को किस पे करते हैं? बेंच वाइस पे करते हैं। तो 75% जो बेंच वाइस पे काम होता है, बेंच वाइस पे गौर कीजिएगा, जब उसको मूवमेंट होता है, आप कसते हैं तो वह आगे की ओर जाता है और ढीला करते हैं तो पीछे की ओर आता है। तो वह पावर को आगे पीछे कर रहा है, कस रहा है। तो वहां पर गौर कीजिएगा, वह जो स्पिंडल है, स्पिंडल पर थ्रेड कटा हुआ है, उसी के कारण वह आगे और पीछे हो रहा है। तो वह स्पिंडल पर जो थ्रेड कटा होता है वह कौन सा थ्रेड होता है दोस्तों? तो स्क्वायर थ्रेड होता है। कौन सा थ्रेड होता है? स्क्वायर थ्रेड होता है। कोई दिक्कत? तो जहां पे हैवी लोड का काम होगा वहां पे क्या करेंगे? स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, दूसरा हम चलते हैं दोस्तों एक्मी थ्रेड के बारे में। यह एक्मी थ्रेड क्या होता है दोस्तों? एक्मी थ्रेड जो होता है ठीक स्क्वायर थ्रेड के तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। यहां पर देखिए टॉपिक में लिखा हुआ है स्क्वायर या स्क्वायर मॉडिफाइड, मतलब स्क्वायर के आसपास का थ्रेड। ठीक है, तो उसके तरह कंस्ट्रक्शन होता है लगभग में। तो एक्मी थ्रेड भी जो होता है ठीक इसी के तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। थोड़ा सा चेंजिंग है तब तो अलग है, अगर एक ही रहता तब तो फिर वही हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो कुछ तो चेंजिंग है। अब चेंजिंग क्या है उस पर हमको गौर करना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड का अपेक्षा ये जो होता है फ्लैट वह थोड़ा कम होता है और थोड़ा सा यह एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे भी जो होता है थोड़ा सा उसके अपेक्षा क्या होता है, इसका चौड़ाई कम होता है। फिर यह क्या है, इस तरीके से जाता है, फिर यहां पर इस तरीके से। अर्थात देखिए दोस्तों, यहां भी इसके साथ या तो एंगल बन रहा है या यहां पे 90 डिग्री जो ये एंगल बन रहा है, ये या ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। आप जानते हैं एकांतर कोण का एंगल क्या होता है? समानांतर होता है, समान होता है। तो यह जितना कोण होगा उतना ही क्या होगा, यह भी कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो कोण होता है मेन, इसका यही क्वेश्चन होता है कि यह कितना एंगल में होता है या कितना कोण में होता है। तो इसका जो कोण होता है वह दोस्तों 29 डिग्री होता है। एक्मी थ्रेड का जो कोण होता है वह कितना होता है दोस्तों? 29 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं। देखिए, इसका जितना डेप्थ होगा उतना ही डेप्थ इसका भी होगा। डेप्थ दोनों का बराबर होता है, अर्थात डेप्थ कितना हो जाएगा? 0.5 पिच। 0.5 पिच। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, अब जो है इसका फ्लैट का विथ, अर्थात विथ ऑफ फ्लैट, अर्थात तो इसकी चौड़ाई विथ ऑफ फ्लैट कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका जो होता है यह होता है 0.3707 पिच। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अब यही चीज, लेकिन यहां पे जाएगा तो क्या समान होता है? थोड़ा सा चेंजिंग होता है, हल्का सा चेंजिंग होता है, अर्थात स्पेस ऑफ विथ। सॉरी, विथ ऑफ स्पेस, विथ ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा दूध? 0.3707 पिच माइनस 0.0052 इंच। इसको हम माइनस कर देते हैं 0.3707 पिच में से, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों? माइनस कर देते हैं।
तो यह मेरा क्या निकल जाता है, विथ ऑफ स्पेस। विथ ऑफ स्पेस क्या होता है दोस्तों, जो दो दांत के बीच की गैप होता है वह क्या हो गया, इसका विथ हो गया। ठीक है दोस्तों, डेप्थ कितना 0.5 पिच, इसमें प्लस हो जाता है 0.01 इंच, डेप्थ में प्लस हो जाता है 0.05, पिच में 0.01 इंच। तो हम लोग चार चीज जान लिए, एंगल, डेप्थ, विथ ऑफ फ्लैट और विथ ऑफ स्पेस। ठीक है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब जानना यह है कि इसका काम कहां होता है। इसका काम दोस्तों कहां होगा, इसका भी काम पावर ट्रांसमिशन में ही होगा, पावर को एक जगह से दूसरी जगह करने में ही होगा, स्थानांतरित करने में ही होगा। लेकिन कहां पे, यहां पर था क्या, हम एक पावर को दूसरे पावर ठीक ताकत लगाते थे वहां से करते थे, लेकिन यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पर ऑटोमेटिक पावर होगा। आप इस चीज को गौर कीजिएगा, लेथ मशीन अगर देखे हुए चलाते हुए, तो लेथ मशीन में आगे से कैरेज लगा होता है और कैरेज के नीचे से देखिएगा एक थ्रेडेड रॉड होता है, आगे में पूरा देखिएगा एक थ्रेड कटा हुआ रॉड है, उस रॉड पे, उस थ्रेड पे गौर कीजिएगा, वह थ्रेड जो है ठीक इसी तरह का थ्रेड होता है, उस पे 29 डिग्री के एंगल में एक थ्रेड ही बने होते हैं। तो वहां पे क्यों लगाया जाता है वह, तो वहां पर क्या होता है कि एक हाफ नट होता है उसके अंदर, उसके द्वारा उसको संलग्न कर दिया जाता है, किसके साथ, कैरेज के साथ। तो कैरेज पर ऑटोमेटिक फीड पावर को ट्रांसफर करता है कौन, एक्मी थ्रेड जो कटा हुआ है किस पे, लीड स्क्रू, जिस पे वो थ्रेड कटा होता है उस पार्ट्स को हम लीड स्क्रू कहते हैं। तो वह लीड स्क्रू से पावर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ नट के द्वारा उसको जोड़ देते हैं, किस पर, कैरेज पर। अब कैरेज क्या है कि ऑटोमेटिक मूवमेंट करता है, तो वही कारण है जो वह ऑटोमेटिक मूवमेंट करता है। तो ऑटोमेटिक पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम एक्मी थ्रेड का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दोस्तों बटरेस थ्रेड के बारे में। यह बटरेस थ्रेड क्या होता है, बटरेस थ्रेड आप लोग देखते होइएगा दोस्तों, जनरली तौर पे तो यह नहीं नजर में आएगा, फिगर हम आते हैं उससे क्या होगा कि आपको आसान होगा समझने में। इस तरीके से देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए एक फ्लैट ये है, एक ये क्या हुआ, डेप्थ हुआ, एक ये हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह बटरेस थ्रेड का एंगल क्या होता है। इसके देखिए दो साइड हैं और दोनों साइड के अलग अलग एंगल हैं, दो साइड है, दो फ्लैंक है, हम लोग जानते हैं क्रेस्ट रूट के बीच की दूरी को, बीच के जो पार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, साइड या फ्लैंक कहते हैं। तो दोनों तरफ का एंगल अलग अलग है। अब अलग अलग है तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जानेंगे कि जो आगे का एंगल होता है वह होता है 7 डिग्री, वह कितना है तो है दोस्तों 7 डिग्री होता है, 7 डिग्री, और पीछे का जो एंगल होता है दोस्तों यह होता है 45 डिग्री, यह कितना होता है 45 डिग्री। समझ में आ गया होगा दोस्तों सभी आदमी को। तो अब जो है विथ ऑफ फ्लैट की क्या होगा, विथ ऑफ फ्लैट क्या होगा दोस्तों, यहाँ विथ ऑफ फ्लैट जो होता है 0.125 पिच होता है, फ्लैट फ्लैट का जो विथ होता है वह 0.125 पिच होता है। अब इसका गहराई क्या होगा दोस्तों, डेप्थ क्या होगा दोस्तों, डेप्थ जो होता है 0.75 पिच होता है, इसका जो डेप्थ है उस दोनों के डेप्थ की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल क्या होगा, देखिए गौर से दोस्तों, यहां पर आगे से थोड़ा फ्लैटनेस की तरह है, मात्र 7 डिग्री का कोण है, अर्थात ये पावर जो लगता है वो किधर से लगता है,
आगे की तरफ से रहता है, पीछे से कोई पावर नहीं, क्योंकि पीछे से ये पावर क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर एक साइड में पावर को धकेलना होता है, दोनों साइड ये पावर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, दोनों साइड इसका ताकत काम नहीं करेगा। किधर करेगा, सिर्फ एक साइड में। तो सिर्फ एक साइड में पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम बटर्स थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। यह होता कहां है दोस्तों, यह मिलिंग मशीन का जो भाइस होता है उसमें क्विक रिलीजिंग भाइस भी होता है मिलिंग मशीन में, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वहां पर क्या होता है कि एक ही तरफ पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वहां पर हम कहते हैं क्या कि बटर्स थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर दोस्तों आप देखे हो ये मशीन हैमर जो होता है, उस मशीन हैमर में नीचे की ओर प्रेशर मारता है। ठीक है, तो वहां पर ही इस थ्रेड का इस्तेमाल होता है। तो बटर्स थ्रेड क्या हो गया, आगे की ओर अर्थात एक ही तरफ पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बटर्स थ्रेड का। इसका एक एंगल पीछे का एंगल 45 डिग्री और आगे का एंगल 60 डिग्री। जनरली जो क्वेश्चन में पूछता है वो दोस्तों सीधे देता है एंगल और 45 डिग्री ऑप्शन रहेगा, आप 45 डिग्री मारिएगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो क्वेश्चन में और वहां पूछते कि छोटा एंगल क्या होता है, अर्थात अपोजिट साइड का एंगल क्या होता है, तो वहां पर हमको क्या जानना है, या फ्रंट का एंगल क्या होता है, तो 7 डिग्री होता है। अगर 7 डिग्री ऑप्शन देता है क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। ठीक है दोस्तों, दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों नकल थ्रेड के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह नकल थ्रेड क्या होता है दोस्तों, नकल थ्रेड आप सब उपयोग किए हैं, सब देखे होइएगा कहां पे होता है, सबको शीशा का बोतल देखे होइएगा, जनरली बोतल देखे होइएगा, उस पर गौर कीजिएगा, उस पर जो दांत होता है तब तो वो खुलता और कसता है, तो वहां पर कौन सा थ्रेड होता है, वहां पर देखिए यही थ्रेड होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिए गौर से, इस थ्रेड में देखिए ये रेडियस होगा, सेंटर होगा, ये सेंटर होगा। अब सेंटर पे गौर कीजिए, ये जितना रेडियस होगा अर्थात ये जितना रेडियस होगा डेप्थ इसका क्या होगा, दुगुना होगा। जितना रेडियस होगा उसका डेप्थ क्या होगा दोस्तों, दुगुना होगा। अर्थात यह क्या होता है, डेप्थ जो होता है रेडियस का दुगुना होता है, या डेप्थ का रेडियस आधा होता है, डेप्थ का रेडियस क्या होता है, आधा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है इसका 0.25 पिच, 0.25 पिच, जबकि इसका डेप्थ कितना हो जाएगा दोस्तों, डेप्थ हो जाएगा 0.5 पिच, अर्थात रेडियस होगा क्या होगा, डेप्थ का आधा होगा, और कुछ तो इसमें है ही नहीं, एंगल तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया नकल थ्रेड। यह कहां कहां पाया जाता है, तो शीशे की बोतलों पर पाया जाता है, रेलवे में अगर दो डिब्बा को जोड़ते हुए अगर कभी स्टेशन पे आप देखे होइएगा तो वहां पे गौर कीजिएगा, दो डब्बा को जो जोड़ता है वहां जो उसको घुमाता है, तो वहां पर भी कौन सा थ्रेड होता है, यही नकल थ्रेड ही होता है। तो इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर बार बार खोलना होता है और बार बार कसना होता है, इसको खोलने और कसने में आसानी होती है और यह जल्दी खुलता और कसता है, इसीलिए वहां पर हम, और जरूरत के साथ हैवी लोड में भी होता है, तो इसका इस्तेमाल हम वहीं पर करते हैं जहां पर बार बार खोलना और कसना होता है। तो ये हो गया नकल थ्रेड। यही चार टोटल थ्रेड होते हैं किसके, स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड के टाइप में। ठीक है दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन, थ्रेड से रिलेटेड सारा पॉइंट आपको हम खत्म कर दिए। तो सबसे पहले क्लास में हम लोग जाने थे किसके बारे में, स्क्रू थ्रेड क्या होता है और उसका उपयोग क्या है, क्यों हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े, नेक्स्ट क्लास में पढ़े कि थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं। तो थ्रेड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, वी थ्रेड और स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड में भी हम आज टॉपिक क्लियर कर लिए, और पिछले क्लास में हम लोग वी थ्रेड को क्लियर किए थे। तो इस तरीके से मेरा सारा थ्रेड जो हो गया वो क्या हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें जरूर कॉमेंट करें,
और हम उस कमेंट के हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से फिर से वीडियो बना के आपका उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा कि आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से एक बार बस वही बात कि आप लोग जो भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि उन तक पहुंच जाए। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ये सेकेंड ईयर का टॉपिक चल रहा है, सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह उनके क्लास भी बंद हो चुके हैं, उनको यह क्लास में मिल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जाम में, और वहां पर आपको बिना तैयारी किए हुए कोई काम नहीं चलेगा। तो वहां पर ये टॉपिक जब आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में इस तरीके से घुस जाएगा कि आप वहां पे भूलिएगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा और आप आंसर को टिक कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा आंसर को टिक कीजिएगा। इसलिए ये चीज आप आराम से क्या कीजिए, जितना भी आपके दोस्त हैं सिर्फ उनके पास फॉरवर्ड करते रहिए और उनको बताइए कि इसको सब्सक्राइब कर ले और इसको देखें। बिना देखे समझ में आएगा, इसे सब्सक्राइब करने से तो काम नहीं चलेगा, उसको देखना होगा, तभी जाके आपका जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा, वो आपका टॉपिक क्लियर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।